आज मैं आपको लेकर आ रही हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जो ग्रैंड मदर्स होती है ना अपनी, उनका जो ओरिजिनल रेसिपी है वो तो मिलता ही है, बट उसको है ना ट्विस्ट दिया जाता है, थोड़ा सा फ्यूजन तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और जो ऑथेंटिक ओरिजिनल स्टाइल होता है ना जो ग्रैंड मदर्स प्रेपरेशन का, मतलब बैटर को फर्मेंट करके बनाना और ऐसी सारी चीज़ें, वो तो है ही, बट इसके अलावा इसमें इंटरनेशनल फ्यूजन वाले भी कुछ डिशेज यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे हम इवॉल्व होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नए नए टेस्ट लेकर आते हैं अपने क्यूजीन में, सो उसी तरीके की कुछ डिशेस यहाँ पे मिलती है। तो आपको लेके चलती हूँ कैफ़े एडलिश में, जो है गोरेगांव ईस्ट में, यशोधाम कॉम्प्लेक्स, फिल्म सिटी रोड पे, और नियर रॉयल चैलेंज रेस्टोरेंट। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका गूगल लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो लेके चलती हूँ आपको अंदर, दिखाती हूँ क्या है वो ऑथेंटिक और फ्यूजन डिशेस। वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसी इंटरनेशनल फ्यूजन वाली डिज़र्ट मैंने आपको दिखाई है ना, मतलब आई डोंट थिंक आपने कहीं भी कभी भी देखी होगी और खाई होगी, जो यहाँ की बेस्ट डिश है वो दिखाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए, लाइक कर देना, कमेंट कर देना आज के वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत सारे आप दे रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। हम ऑलरेडी 40,000 क्रॉस कर चुके हैं, लेट्स मेक इट अ फैमिली ऑफ 50,000 सब्सक्राइबर्स। तो आइए अंदर चलते हैं कैफे इंग्लिश। वी स्टार्टेड कैफे इंग्लिश 4 इयर्स बिफोर एंड दिस इज द सेकंड आउटलेट ऑफ कैफे इंग्लिश। द फर्स्ट आउटलेट इज लोकेटेड इन महावीर नगर। We also have 6 outlets of Cafe Idlish and Chetna Tiffin in various parts of Mumbai and one outlet in Hyderabad. Cafe Idlish mein sabse pehle kya try karna chahiye? Mujhe aisa laga Idlish hai to chalo idli se hi try karte hain, to inke paas regular idli to available hai hi aur bhi kafi sari varieties hai, aur ye kuch special alag tarah ki na mini idlis dekhi maine yahan pe, to 3-4 types isme bhi available hai, so naam bhi nahi kabhi aapne sune honge aise types ke, some African peri peri mix idlis and then Schezwan tossed idlis hai na, veggies and masala ke sath mix karke, to jo maine li hai iska bhi ek alag hi unique hi naam hai, Virudhunagar special स्पाइस मिक्स इडली। सो नाम सुन के तो ऐसा लगता ही नहीं कि क्या कौन से टाइप की इडली होगी, तो ये मिनी इडली दी है और स्पेशल स्पाइस मिक्स तो वो तो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, जैसे कि पूरी डालते हैं जो गन पाउडर लोकली बोला जाता है वो दिखाई दे रहा है। आई कैन सी यू नो करी पत्ते का तड़का इसके ऊपर, लाइक फ्राइड करी लीव्स है, सॉफ्ट लग रही है फोक डालने से। इसके साथ में इन्होंने सर्व की है कोकोनट चटनी जो व्हाइट यूजली सर्व की जाती है, ऑल्सो देयर इज अ रेड चटनी टू। लेट मी जस्ट ट्राई द इडली फर्स्ट। जो गन पाउडर है ना उसका टेस्ट अमेजिंग है ही, और जो करी पत्ता डाला है ना उसका इतना प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है ना, एकदम स्ट्रांग, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके अंदर। एंड विरुधुनगर इसका नाम इसके लिए है ना बिकॉज इनके जो स्पाइसेस है ना वो वहीं से आते हैं, विच इज़ नियर मदुराई इन तमिलनाडु। तो एक बाइट है ना मैं इसको चटनी के साथ में लेके देखती हूँ कि कैसी है इनकी चटनी। एक्चुअली जो करी पत्ता फ्लेवर है ना वो इतना बढ़िया है ना, मतलब काफी टाइम तक याद रहने वाला है ऐसा, बिकॉज इडली के अंदर करी पत्ता फ्लेवर ऐसा नहीं मिलता है कहीं। चटनी एज यूजुअल जैसी मिलती है कोकोनट चटनी, फ्रेश है, एंड देयर इज दिस रेड चटनी टू विच इज ऑल्सो क्वाइट ओके। सो इडलीज जैसा कि आपको पता है वैसे भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्नैक आइटम्स है, और जब हम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आ रहे हैं तो फिल्टर कॉफ़ी को कैसे छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे ना ये एक अलग फिल्टर कॉफ़ी है, बिकॉज इसके अंदर जो ना जो रेगुलर शुगर डाला होता है स्वीटनिंग के लिए वो नहीं है, पाम जैगरी से इसका स्वीटनिंग किया हुआ है, सो इट इज़ अगेन हेल्दी एंड द जैगरी दैट दे यूज़ इज़ ऑर्गेनिक। तो चलो इसका एक सिप लेके देखते हैं। जैसे खुशबू आने लगती है ना तो वो टेम्प तो होने ही लगता है, बट इसका जो टेस्ट है ना ये बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जैगरी का स्वीटनिंग इसमें यूज़ किया है, वेरी माइल्डली स्वीट विद दैट स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ कॉफी। साउथ इंडियन फूड ब्रॉडली कम्स इनटू टू कैटेगरीज, वन इज ओडीपी फूड एंड देन यू हैव तमिलनाडु फूड, मद्रास का टेस्ट जो है, तो हमारा जो कैटेगरी जो है वो मद्रास का टेस्ट में आता है, तो सांबर थोड़ा स्पाइसी रहेगा।
तो अगेन डोसा में भी बहुत सारी वैरायटीज है, तो यूजुअल यू नो जो रेगुलर वंस मसाला डोसा, मैसूर एंड रवा मसाला, वो सारी चीज़ें भी है, शेजवान मसाला डोसा है, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेल्दियर वाला मेन्यू में से कुछ ट्राई करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हेल्दी डोसाज भी है, देर इज रागी मिलेट डोसा, देर इज जवार डोसा. वी हैव क्रिएटेड थ्री वर्टिकल्स, सो वन इज अ ट्रेडिशनल फूड, देन वी हैव द फ्यूजन क्रिएटेड विद हेल्दी एलिमेंट्स, देन फ्यूजन क्रिएटेड विद इंटरनेशनल एलिमेंट्स. सो वेन अ फैमिली ऑफ मल्टीपल जनरेशन वॉक इन, तो उनके सबके लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो वो ऐसा डिसाइड किया मैंने. मैंने यहाँ पे लिया है ओट्स मसाला डोसा, सो देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें. जनरली ऐसा होता है ना, जब हम हेल्दी खाना चाहते हैं तो वो इतना टेस्टी नहीं होता है. सो जैसे ही ओपन कर रहे हैं ना, तो लुक तो एकदम डिफरेंट है. यहाँ पे मुझे ओट्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मैंने पहले कहीं देखा नहीं है. ओट्स डोसा मैंने पहले भी ट्राई किया है, बट यूजुअली और बैटर में शायद ओट्स वगैरह मिक्स कर देते हैं, तो इसका जो लुक है वो तो डिफरेंट है, और एकदम क्रिस्प डोसा पता चल रहा है. तो ये सादा डोसा उन्होंने बनाया है, और सब्जी जो इसकी है ना वो अलग से यहाँ पे दी हुई है. सो लेट्स टेक अ बाइट. सो ये इतना क्रिस्प है ना कि ये हाथ रखते ही टूट गया, ये देखिए. तो पहले बिना चटनी के ऐसे ही ट्राई करती हूँ. वाह, अमेजिंग टेस्ट है, मतलब हेल्दी भी एंड टेस्टी भी, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन है. जैसे काफ़ी सारी चीज़ें कैफे इंग्लिश के मेन्यू में हैं, आप चाहो तो दूसरा टाइप ऑफ डोसाज भी ट्राई कर सकते हो. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके साथ में अगेन वही कोकोनट चटनी दी है, एंड द अदर चटनी जो अनियन टमाटो वाली होती है, एंड सांभर भी इसके साथ में दिया हुआ है. सो लेट्स ट्राई द सांभर. दिस सांभर एकदम हल्का सा स्पाइसी है, माइल्डली, दिस इज नॉट स्वीट. आलू की भाजी भी इसके अंदर दी हुई है. सो ये आलू की भाजी के साथ में ना आई विल टेक वन बाइट. थोड़ा सा चटनी में इसे डिप करूंगी. सो दिस कोकोनट चटनी एंड द सांभर बोथ आर जैन, तो आप वो भी अगर जैन मेन्यू खाना चाहो तो इनके पास है अवेलेबल आपके लिए बहुत सारा कुछ. वैसे बहुत सारे राई तड़का वाले जो होती है वैसी नहीं दिख रही है मुझे, टेस्ट हल्का सा अलग है, स्पाइसी है, मुझे इतनी पसंद नहीं आई. डोसे के ऊपर ये पूड़ी आपको लगाया हुआ दिख जाएगा, एंड ओट्स जो है बैटर में भी डाला है एंड ऊपर से भी डाला हुआ है. ये जो है हमारा मीनम्मा है, हमारा मैस्कट है, तो उनके हाथ में देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा. इडली है, डोसा है, पनियारम है, ये दिखाते हैं कि मल्टीफेसेड पर्सन है, लाइक सब कुछ बना सकता है और सब कुछ यहाँ पे मिलता है. तो हमने कुछ हेल्दी फ्यूजन तो ट्राई करके देख लिया, तो ग्रैंडमा के रेसिपी में थोड़ा सा फ्यूजन करके, बट ये वाला जो फ्यूजन है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है. इसमें कुछ इंटरनेशनल फ्यूजन किया हुआ है. सो ऐसे काफ़ी अलग अलग तरह के इंटरनेशनल फ्यूजन वाले डोसे भी यहाँ पे अवेलेबल है. डोसा टैकोस भी मिलता है, एंड देन देर इज शेजवान चीज़ लावा डोसा, पिजियोला चीज़ लावा डोसा, जो थोड़ा पिज़्ज़ा के जैसे दिखता है, बट इतना सारा ट्राई करना पॉसिबल नहीं है. तो इनमें से मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया है, एंड दिस इज़ टेक्स मैक्स चीज़ लावा डोसा. सो अब टेक्स मैक्स क्या है आप सोचोगे, तो आपको बता देती हूँ, टेक्सस एंड मेक्सिको, तो वहाँ का कुछ उसमें इसमें डाला हुआ है. चलिए देखते हैं कि क्या डाला हुआ है. सो देखने में आप लुक देखोगे तो यूजुअली जिनी डोसा ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, तो वैसे ही रोल करके डाला हुआ है. ऊपर से देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रेटेड चीज़ एंड थोड़ा सा लिक्विड चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है. एक बाइट लेके देखते हैं. चीज़ी, फर्स्ट बाइट लिया ना तो जैसे ये चीज़ ही दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ एंड डोसे का जो मिक्स टेस्ट है वो आया. सेकेंड बाइट में वेजीज आए काफ़ी सारे, एंड कुछ माइल्ड इसमें सॉसेस ऐसा लग रही है. सो जैसे टेक्स मिक्स, सो उसी तरह की कुछ सॉसेस है, एंड यहाँ पे एक डिप भी इन्होंने अलग से दिया है, सालसा दिया हुआ है. तो इसके साथ में एक बार ट्राई करके बताती हूँ. वाओ, इस सॉस के साथ में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है. थोड़ा सा फायरी वाला इसमें टेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है बट है अच्छा खासा. बट इसके अंदर ना ट्रिपल चीज़ है, डोसे के अंदर भी चीज़ है, ये ऊपर चीज़ का गार्निश है जो ग्रेट करके इन्होंने चीज़ डाला है, एंड देन देर इज़ लिक्विड चीज़ ऑल्सो, जिसके वजह से बहुत ही चीज़ी हो गया है. सो ओवरऑल यू नो जैसे मैंने आपको बोला, इंटरनेशनल फ्यूजन काइंड ऑफ अ डोसा. अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है ना अलग अलग फ्यूजन डोसा ट्राई करने के लिए, तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो. तो पैकेजिंग में काफी ध्यान जाता है, लाइक बॉक्सेस एंड ऑल स्पेशली इसके लिए डिजाइन किया है. उसमें वेंटिलेशन के लिए होल दिया हुआ है, तो एयर जो है हॉट एयर जो है बाहर निकल जाएगा, और डोसा एकदम गर्म
और क्रिस्प अंदर रहेगा। कैफे इडलिश में सिर्फ इडली एंड डोसे और अलग अलग फ्यूजन टाइप्स इनके ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे साउथ इंडियन लंच एंड डिनर भी अवेलेबल है। एंड देयर आर 3 types ऑफ थाली। सो एक थाली में आपको मिल जाता है सांबा, रसम, कर्ड, राइस, जैसे सब्जी वगैरह मिक्स करके। एंड सेकेंड वाले में आपको मिल जाता है लेमन राइस, टैमरिन राइस, कर्ड राइस, इसके साथ में ये सब्जी वगैरह सर्व होती है। और एक और जो थाली है उसमें वैरायटी राइस ऑफ द डे, उसके साथ में वीट परोटा मिल जाता है, उसके साथ में रसम, कुरमा, सब्जी, वही सारी मिल जाती है। सो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। सो मैंने यहाँ पे एक सेकेंड वाली थाली ली है जो जिसमें लेमन राइस है, इमली राइस है, स्टैमरन राइस, एंड देर इज कर्ड राइस, एंड देर इज कोरमा एंड पोरियल विजा सब्जीज जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। साथ में पापड़ सर्व किया है, नींबू का अचार है, एंड देर इज दिस रसम एंड सांभर भी दिया हुआ है। लेमन राइस से स्टार्ट करती हूँ। क्रंच है पीनट्स का, काफी सारे पीनट्स है इसमें। एंड आई कैन सी जो तड़का है ना, राई करी पत्ता तो है ही, आई थिंक इसमें उड़द की दाल भी डाली हुई है क्योंकि वो और क्रंच आ रहा है ना, छोटा छोटा क्रंच आ रहा है वो दाल का है। एकदम स्ट्रांग नींबू का फ्लेवर, लेमन राइस है तो वो तो होना ही था, बट अच्छा खासा स्ट्रांग फ्लेवर है इसका। नेक्स्ट लेट्स ट्राई द टैमरिंड राइस। अगेन इमली के फ्लेवर वाला राइस, ऑब्वियसली लेमन राइस में लेमन एंड टैमरिंड राइस में इमली। आसपास है ना काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, उनको थाली खाने का मन होता है तो ये पूरी थाली ले लेते हैं। एंड लेट्स ट्राई दिस रसम। सो रसम में टमाटो एंड इमली के मिक्स्ड फ्लेवर्स हैं। सांभर तो हमने पहले ही ट्राई किया था, उसमें कैरेट है, बीन्स है, एंड हरी मटर डाली हुई है, एंड ऊपर काफी सारा नारियल भी डाला हुआ है। यूजुअली साउथ इंडिया में ना ड्राई सब्जीज बनाते हैं तो ऊपर से नारियल डाला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कुरमा, कुरमा यानी कि मिक्स वेजिटेबल, और इसको ट्राई करेंगे। स्पाइसी है ये, अगर आप तमिलनाडु का खाना खाते हो ना तो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, केरला में अगर आप खाते हो ना तो स्पाइसीज का यूज कम होता है। टिपिकल तमिलनाडु स्टाइल थाली, तो अच्छा खासा तीखा है ये। तो इसके ऊपर ये दही राइस, यू नो कर्ड राइस खाने की सख्त जरूरत है। माइल्ड फ्लेवर्स, चिल्ड दही राइस विद अ तड़का ऑफ राई करी पत्ता। इसके बाद में ये आलू की सब्जी दी है, तो आलू फ्राई बोल सकते हो आप, इसको बोला जाता है पोरियल। पोरियल मीन्स एनी सब्जी दैट इज फ्राई इज व्हाट आई गेस, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एकदम सिंपल स्पाइसेस, इसमें ना हल्दी मिर्ची इस टाइप के, हरा धनिया डाला है बहुत सारा, आलू एकदम अच्छे से प्रॉपरली कुक्ड है अंदर तक। सब राइस के साथ में सब्जी वगैरह रसम काफी सारा कुछ दिया है, जो भी चाहो कंबाइन करके खा सकते हो, पापड़ है, अचार है। सो ये फिनिश करती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे इंडियन एंड फ्यूजन डिशेज दोनों ही तरीके से मिलती है, तो मैंने सोचा कि चलो एक इंडियन स्वीट यू नो डिजर्ट हम लोग ले लेते हैं। सो दिस इज पाइनएप्पल शीरा। साउथ में अगर आप जाओगे तो केसरी बोला जाता है, उपमा शीरा साथ में सर्व किया जाता है तो केसरी भात, खारा बात ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये केसरी है ना पाइनएप्पल शीरा कैसा है। स्वॉम लॉन्ग का फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, एंड जो सूजी है ये बहुत ही अच्छे से भुनी हुई, जरा भी कच्चापन इसके अंदर नहीं है, एंड देसी घी की बढ़िया सी खुशबू, देसी घी में बनाया हुआ ये, और इसके अंदर ना फ्रेश पाइनएप्पल के पीसेस डाले हुए हैं जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देखिए। और प्रेजेंटेशन भी आप देखोगे ना इसका, तो ये केले के पत्ते पे दिया तो इसे एक ऑथेंटिक फीलिंग भी आ जाती है। सो ये खा के ना आपको मैं एक फ्यूजन डिजर्ट भी दिखाऊंगी, वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखना। आप जो आउटलेट में है अभी गोरेगांव ईस्ट में है, दिस आउटलेट इज लोकेटेड इन यशोदा जो गोगलधाम के नजदीक है और ओबराय मॉल के पीछे आता है। उसकी कैफे इंग्लिश ऐसे ब्रांड इज अवेलेबल ऑन स्विगी जोमैटो। टोटल 5 outlet है, 5 outlet में से डिलीवरी देते हैं। आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप लोग idlish.shop करके हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। वी आर ओपन फ्रॉम 7:30 इन द मॉर्निंग, रात को 10 बजे तक चालू है। नाउ दिस इज द अल्टीमेट कलिनरी फ्यूजन। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पनियारम को ही कंबाइन कर दिया है आइसक्रीम के साथ में, ना सिजलिंग ब्राउनी होता है तो उसी तरीके से हॉट प्लेट में इन्होंने ये पनियारम डाले हुए हैं, एंड देन उसके साथ में आइसक्रीम, चोको चिप्स, चॉकलेट सॉस, सारा कुछ डाला हुआ है। तो चलो देखते हैं इसका स्वाद कैसा लगता है। थोड़ा सा पनियारम का पीस एंड थोड़ा सा आइसक्रीम ले लेती हूँ। This is wow.
एल्गोरिथम सुपर्ब। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी ना कि सिजलिंग ब्राउनी विद आइसक्रीम से ज़्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है, एंड दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई। यू नो साउथ का पनियारम, उसके साथ में आप ले रहे हो आइसक्रीम, तो है ना हेल्दी भी हो गया पनियारम की वजह से। एंड और एक चीज़ है ना कि इसमें मुझे ना गुड़ का फ्लेवर आ रहा है, जैगरी का, उसका मतलब इसमें गुड़ डाल के बनाया है तो थोड़ा हल्का सा स्वीट जो है, और आइसक्रीम के साथ में मिक्स करके बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। जिसके एजेस है ना ये एकदम क्रिस्प हो गए हैं, एंड ऊपर से ये चॉकलेट जो डाला है आइसक्रीम के साथ में बहुत बढ़िया लग रहा है। सो मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ, जितना खा सकती थी उतना खा लिया है, बाकी का मैं पार्सल करके लेके जाने वाली हूँ, और ये तो ज़रूर फिनिश करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग। आई होप आपको वीडियो में कुछ अलग देखने मिला होगा आज, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना आज के वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगी है, एंड शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ये कैफ़े इडलिश में क्या क्या फ्यूजन डिशेज मिलती है ये लोगों को पता चल सके। मुझे तो ये लास्ट वाले डिश सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है, बहुत ही अमेजिंग है। एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को भी अगर आपने अभी तक नहीं किया, ऐसे ऑथेंटिक फूड एंड फ्यूजन फूड के वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो।